आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल विथ एग बिरयानी। और इसे बनाने के लिए हमें चाहिए ढेर सारा वेजिटेबल्स। आपके पास जो भी वेजिटेबल्स हो उसमें हम 2 स्पून कर्ड डालेंगे और कुछ स्पाइसेस डालेंगे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, इसका सबको डाल के अब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट एंड इसमें डालेंगे नमक। एक अंडे को फोड़ लेंगे, उसे सबको मिक्स करके इसे हम 10 मिनट्स के लिए रेस्ट दे देंगे। तो आप बटर भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास बटर ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। इधर हम कुकर को गर्म करेंगे, उसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे और इसमें प्याज को लंबे स्लाइसेस में पतले से कट करके और गोल्डन ब्राउन तक फ्राई करेंगे। इधर हम 4 बॉयल्ड एग लेंगे और इसे फोक की मदद से छेद कर देंगे। इधर हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है ओनियन, हम इसे निकाल लेते हैं। इधर हम एग को भी फ्राई कर लेते हैं। एग को हमने ऑयल में डाल दिया और इसमें कुछ स्पाइसेस डाल देते हैं, जैसे कि हल्दी पाउडर, टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, सॉल्ट। हमारा एग भी फ्राई हो चुका है, अब हम इसे भी निकाल लेते हैं। अब हम चलते हैं फाइनल प्रोसेस में, जिसमें हम इस कुकर में बटर, घी, ऑयल आपको जो देना है दे सकते हैं, कुछ गर्म मसाले आप दे दें, तेज़पत्ता, लाल मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी आपके पास जो भी हो आप डाल सकते हैं। इसमें हम डालेंगे लहसुन, गार्लिक कट करके, इसमें डालेंगे ओनियन, प्याज और ग्रीन चिली, हरी मिर्च, सबको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। टमाटर ऐड करेंगे, इसे भी अच्छे से फ्राई करेंगे। जब तक ये फ्राई होता है तब तक हम अपने चावल को वॉश कर लेंगे। हमारे ओनियन और टमाटो फ्राई हो चुके हैं, अब इसमें सारे वेजिटेबल्स जो हमने 10 मिनट्स के लिए रेस्ट के लिए रखा था उसे डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे, जब तक वो तेल ना छोड़े। हम इसमें अब ऐड करेंगे बिरयानी मसाला। ये मेरा घर का बनाया हुआ बिरयानी मसाला है, अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसमें हम 2 चम्मच बिरयानी मसाला ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से फ्राई करेंगे। ये अच्छे से भून चुका है, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे मसाले हमारे जले ना। इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे अच्छे से। अब इसमें हम चावल ऐड कर लेंगे और चावल को भी 2-3 मिनट्स के लिए भून लेंगे। इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, याद रहे हमने वेजिटेबल्स में भी सॉल्ट डाला था। इसमें हम पानी डालेंगे, मैंने 2 कप के लिए 3 कप पानी यूज किया है, 2 कप चावल के लिए 3 कप पानी यूज किया है, आप मेजरमेंट हमेशा याद रखें। इसमें हम डालेंगे केपरा वाटर, 1/2 स्पून, ऐड कर देंगे हम एग्स जो हमने फ्राई कर लिया था, मैंने 4 एग्स लिया है, आपकी मर्जी आप 4-6 ले सकते हैं। एंड इसमें डाल देंगे ओनियन, प्याज जो हमने फ्राई किया था, सबको अच्छे से डाल के इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे, बिरयानी मसाला ऐड कर देंगे। कुकर को हम हाई फ्लेम पर 2 सीटी आने देंगे, उसके बाद उस गैस को ऑफ करके कुकर ठंडा हो जाए फिर हम कुकर को खोलेंगे, हमारा बिरयानी